नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे दूध कुल्फ़ी और बहुत ही बढ़िया हमने दूध कुल्फ़ी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है, पूरा ये 2 ग्लास है। अब दूध को हम हल्का गर्म कर लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया क्रीमी हमारी कुल्फ़ी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे और जब तक हमें इसे पकाना है कि दूध आधा ना हो जाए, और बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 छोटे चम्मच चीनी और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जायफल का पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर की कुल्फ़ी बनती है जायफल पाउडर से। आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और देखिए, काफ़ी गाढ़ा दूध हो गया है हमारा। तो इसमें हम 1/4 चम्मच आरारूट डालेंगे। तो आरारूट को हम पानी में घोल कर डालेंगे या फिर दूध में घोल कर, ताकि इसमें गूंठे ना पड़े। और इसी तरह चला देंगे। चलाते हुए ही हमें आरारूट को डालना है, नहीं तो इसमें गूंठे पड़ जाएंगे। और देखें, बहुत ही बढ़िया थिक हो जाएगा ये आरारूट से। और बस अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमें इसे इतना ही पकाना है। और देखें, इसमें बबल्स पड़ रहे हैं, तो ये पूरी तरह पक चुका है। अब हम इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। और जब ठंडा हो जाए तब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे जार में डाल देंगे। जार में फेंटने से बहुत ही अच्छी क्रीमी हमारी कुल्फी बनकर तैयार होगी। और फेंटने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और थोड़े से हमने यहाँ पे काजू बादाम लिए हैं, तो इसे भी डाल देते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो उसे आप डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुल्फ़ी का सांचा लिया है, आप इसे किसी बॉक्स में भी जमा सकते हैं या फिर कुल्फ़ी के सांचे में। तो हम इन्हें इसी तरह भरकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। आप इस कुल्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें। अब रेसिपी पसंद आने पर लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। सारी कुल्फी हमने भरकर तैयार कर ली हैं। तो इनको अब हम रखेंगे फ्रीजर में जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाएंगे। और कुल्फी हमारी जमकर तैयार है, तो हमने इन्हें निकाल लिया है। पूरी 4 कुल्फी यहाँ पे बनकर तैयार हुई थी। अब हम इसे थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे और इन्हें हम खोल कर निकाल लेंगे। चक्कू की सहायता से किनारों पर लगाएंगे या फिर हाथों से घुमाकर भी इसे निकाला जा सकता है। और देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रीमी हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार है। आप इस कुल्फ़ी को घर पर बनाएंगे तो बाजार की कुल्फ़ी खाना आप भूल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनी है ये। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।